हेलो एवरीवन, आज जो हम बात करने वाले हैं ये 2021 में गेट इसी ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है। टू पोर्ट नेटवर्क्स से ये क्वेश्चन आया था। एडमिटेंस पैरामीटर पूछे थे, यानी वाई पैरामीटर हमें इसके निकालने थे। ठीक है, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, जो प्लेलिस्ट है उसमें आके आप देख सकते हैं टू पोर्ट नेटवर्क की। फिलहाल देखते हैं इसको, देखो कितने आसान तरीके से कर सकते थे। और हम क्या करेंगे, एक बार मैं बता दूं यहाँ पर शॉर्ट में, हम जो क्या करते हैं, आप जो भी इक्वेशन बनती है इसमें क्या करते हैं, आई वन जो करंट आएगी उसे वी वन और वी टू टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, और आई टू जाएगी उसे क्या लिखेंगे, वी वन और वी टू के टर्म में, क्योंकि वी वन का कोफिशियंट ही वाई वन पैरामीटर देगा मुझे, और वी टू का वाई वन टू। ऐसे ही जो आई टू की में लिखेंगे तो वी वन का कोफिशियंट वाई टू वन और वी टू का वाई टू टू। देखते ये तो ऑप्शन इसमें गिवेन है, हमें ऑप्शन के थ्रू ही कर लेंगे इसको। देखो कितने आसान तरीके से कर सकते हैं इसको। हम क्या करेंगे, सर्किट को ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वी टू ये वोल्टेज है, ये वी टू वोल्टेज 1 ओम के अक्रॉस है पूरा, ये किसके अक्रॉस है, 1 ओम के अक्रॉस है। ठीक है, तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये करंट फ्लो हो रही होगी इसमें। ठीक, आगे क्या करेंगे देखो, इसमें यहाँ पे केसीएल लगा दो इस पॉइंट पे, तो आई टू तो इधर आ रही है, वी टू माइनस वन इधर जा रही है, तो इसमें से आगे कितनी जाएगी फिर, आई टू टोटल आ रही थी। ठीक है, केसीएल लगा दे रहा हूँ, केसीएल से आ रहा है आई टू माइनस वी टू, इतनी करंट ये अंदर इधर की जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आता हूँ तो मुझे इसके अक्रॉस तो वोल्टेज पता ही है कितना, वी वन, इसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे पता ही है वी वन है। अब मैं क्या करता हूँ देखो, मैं लगाता हूँ केवीएल, मैं कैसे चलूँगा, यहाँ से चलूँगा, ऐसे होता हुआ जाऊँगा, मैं इसी रास्ते को फॉलो करना, ऐसे करके जाऊँगा और दोबारा से यहीं पा जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या, वी टू, वी टू किस टाइप का, नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव से लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्वेशन, माइनस वी टू, ठीक है, माइनस वी टू, ये 1 ओम के अक्रॉस पूरा वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर आए, यहाँ पे क्या होगा, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है जिससे करंट कितनी जा रही है, आई टू माइनस वी टू, तो लिखो इसको प्लस 1 इंटू केवीएल लगा रहे हैं। ठीक है, आई टू माइनस वी टू, ठीक है, केवीएल से ये सारा आ रहा। फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये पूरा खाली है। यहाँ पे आए, इसके अक्रॉस मुझे 1 ओम के अक्रॉस पूरा रेजिस्टेंस पता कितना, वी वन, ठीक है, तो सॉरी वोल्टेज, इस 1 ओम के अक्रॉस पूरा वोल्टेज पता मुझे वी वन। ठीक है, और हमें पहले कौन सी पोलिटी मिल रही है, प्लस की, तो प्लस लिख देंगे यहाँ पे वी वन। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ से खाली आ रहा है ये, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ तक, तो इजिकल्स टू 0। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तुम इसे, इस इक्वेशन को, इसमें वी टू है, आई टू और वी टू है, वी वन है, तो हमारी जो ये इक्वेशन को किस टाइप की बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो, यहाँ से वी माइनस वी टू 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहने वाला वो, आई टू माइनस वी टू प्लस वी वन इजिकल्स टू 0। माइनस वी वन माइनस वी टू, माइनस वी टू हो जाएंगे माइनस टू वी टू, माइनस टू वी टू प्लस वी वन इजिकल्स टू 0। वी वन और वी टू को राइट साइड में भेज देंगे, तो वी वन तो प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और वी टू माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ना कंपेयर कर लो, सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करो इस वाली से, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जो वी वन का कोएफिशिएंट है वो देता है मुझे वाई टू वन, तो वाई टू वन कितना आ गया मेरा, क्या कोएफिशिएंट है इधर, ये माइनस वन, और वी टू का कोएफिशिएंट क्या देता है मुझे, वाई टू टू। अब इक्वेशन में जाओ, सॉरी जो ऑप्शंस दे रखे हैं, वाई टू वन माइनस वन किस में दे रखा है, तो ए में तो है नहीं, ए तो गलती हो गया। ठीक है, वाई टू वन यहाँ पे तो -4 था, इसमें भी है, बी में भी है, सी में भी है, और डी में नहीं है, तो डी भी गलत हो गया है। ठीक है, देखो एक अगला देखो, वाई टू 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 किस में, बी और सी में चेक करो, इसमें वाई टू टू 3 है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, तो
तो जो बचा देखो उसमें वाई टू 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 है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। हमें देखो वाई वन वन और वाई वन टू नहीं निकालना पड़ा, इसमें हमारा टाइम सेव हो गया। ठीक है, ऑप्शंस का ये फायदा रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये इसका सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन था मुझे लगता है। इस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।